यहाँ का व्यू है। गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग के अंदर। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:43। तो अब हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए। तो फैमिली में से और कोई नहीं जा रहा, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ लक्की भाई के साथ। तो लक्की भाई मेरे को मिलेगी सीधा बस स्टैंड पे, और सीधा हम वहीं जा रहे हैं कन्वे में। मनी भाई तो लेट है तो गाड़ी पर हम जा नहीं पाएंगे, हम बाइक पर जा रहे हैं कन्वे में। जैसे ही फिर वहाँ लक्की भाई मिलेंगे, वहाँ से हम बस के थ्रू सीधा निकल जाएंगे। तो चलो निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बैग मैंने पैक कर लिया, बैग ये रहा, बैग भारी सा लग रहा है। मैं पहुंचा बस स्टैंड पे, यहाँ पे लक्की भाई गए हैं कुछ चिप्स वगैरह लेने। ऐसी आती है जिसका कोई हिसाब भी नहीं पाती है, हमेशा हैप्पी रहते हैं सभी को। अभी हम खड़े हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने। अब यहाँ पे हमारी बस आएगी, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। और बस हमारी डिले है काफ़ी ज़्यादा, 11 बजे आनी थी, वो आएगी 12 बजे के आसपास, तो काफ़ी डिले हो गई। ओके भाई मिलते हैं, हमारी बस शायद आ गई। चली भी गई और नहीं, आ गई आ गई, एक और आ गई। आई आई बैग का रखने भी बैग मिल गई लक्की भाई मेरे को बस फाइनली। एक बस में ट्रैवल कर करके हम तो सोते हुए हैं लक्की भाई और मैं। अब तो हम नीचे जा रहे हैं कुछ चाय वगैरह पियेंगे। ये जो है ऋषिकेश का गुरुद्वारा है, यहाँ से संगत जो होती है ना, तो यहाँ से जब हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा करते हैं तो यहाँ पे स्टे करके फिर निकलते हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट है। अभी हमने यहाँ से चाय पी, रेस्ट करके अभी लगता है कि फिर मैं इसका नाम है रॉक्सी और इसका नाम है कालू। हमने पी ली चाय वगैरह, अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। यहाँ का लक्की भाई मैंने स्नान कर लिया, अब हम जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने, और उसके बाद करेंगे पाठ। पाठ करने के बाद फिर लक्की भाई के फ्रेंड वगैरह आ जाएंगे, रिकॉर्ड रख देंगे कितने बंदे गए हैं कितने आए हैं। अच्छा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, मतलब रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है हेमकुंड साहिब जाने से पहले ना, क्योंकि रिकॉर्ड रहते हैं कि कितने बंदे गए हैं कितने बंदे नहीं गए। अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। कॉफ़ी वगैरह पी के फिर उसके बाद जाएंगे, धूप काफ़ी तेज़ हो गई है ना। म्यूजियम है यहाँ का, यही
ये गुरुद्वारा है ना ऋषिकेश का, इसके जस्ट पास में एक शॉप है जहाँ पे बाइक वगैरह भी अवेलेबल हो जाती हैं। उसमें क्या कहते हैं, बुलेट भी है, स्कूटी और सारी बाइक स्कूटी वगैरह सब मिल जाएगा आपको। बुलेट के लगते हैं 1000 रुपये पर डे के, और 1000 रुपये सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और आधार कार्ड वगैरह, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड जो मर्जी दे दो, और जो बाकी स्कूटी वगैरह हैं वो 500 रुपये पर डे। मैं पहुँच गया अपनी सराह में, चलते हैं ऊपर। ये हमारा रूम 104, मैं जा रहा हूँ ऊपर, आपको व्यू दिखाता हूँ छत से। अभी छत पर, और ये ऋषिकेश गुरुद्वारा है, यहाँ पे मैं छत पर आया था गुरुद्वारे की। ऐसा लग रहा है वो बड़ा है, पर काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी जैसे ही सूर्य देवता थोड़े शांत हो जाते हैं, थोड़ा डाउन चले जाएंगे, फिर उसके वजह से थोड़ी बहुत छाँव हो जाती है ना, फिर उसके बाद हम जाएंगे लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला के बाद हम जाएंगे गंगा जी के किनारे जहाँ पे आरती होती है, बहुत खूबसूरत तरीके से वो आरती करी जाती है, वो बहुत ही प्यारा लगता है ओवरऑल व्यू उनका पढ़ना पूजा को, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। अगर मेरे को दिखा और मैं दिखा पाया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा गाइस वो शाम की पूजा, तो वीडियो में बने रहिएगा गाइस, ऐसे ही बड़े बड़े नज़ारे दिखाता रहूँगा मैं आपको। अभी तो सिर्फ ये पहाड़ दूर से दिख रहे हैं, फिर वही पहाड़ में सब आपको पास से दिखाने वाला हूँ। तो शाम हो गई, बस अब हम निकल रहे हैं लक्ष्मण झूले की तरफ जाने के लिए, क्योंकि सूरज ढल चुका है। तो बाकी मैं रेडी हो गया एकदम, बाकी सब रेडी हो रहे हैं, और लक्की भाई रेडी हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम निकलते हैं सीधा लक्ष्मण झूले के लिए। चलो चल रहे चीटी। बाकी दोपहर में तो काफ़ी ज़्यादा धूप सी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पे, धूप की नहीं सी ना अंकल। हाँ, यहाँ पे मतलब बात चल रही है, कल टैक्सी करनी है ना हमने, तो यहाँ पे पहली प्री बुकिंग हो जाती है। राम झूला से लक्ष्मण झूला को जिताते हैं, ये है वो ब्रिज जहाँ पर हम आए जान की। अच्छा 100 रुपये में आप पूरा गाइड कर दोगे? तो हम पहुंच गए अपने जान की झूला, और ये काफी बड़ा है, ब्रिज काफी ज्यादा बड़ा, काफी डाली ना चेक करो भाई, ये है जान की झूला, और इतना बड़ा ब्रिज है भाई, ये देख रहे हो, वीडियो में नहीं पता चला बट जब सामने देखो तो काफी बड़ा साइज है इसका, और ये जो है ना गंगा नदी है, और ये जो राइट और लेफ्ट वाला रास्ता है ना, ये बाइकर्स का है, मतलब बाइक वाइक ले जाने के लिए। और यहाँ फ्लो देखो एक बार गंगा जी को, काफी ज्यादा तेज है, काफी ज्यादा, और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है यहाँ एकदम, जो सारी धुन धुन सी होगी ना, और ये वाला रास्ता जो बाइक का है, तो आने का एक जाने का है, तो फ्लो देखो भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई ब्रिज पे आके, बहुत ही ठंडी हवा चली हुई है यहाँ पे ना, बंदर वगैरह भी हैं, तो थोड़ा सामान वगैरह देख के खाना, पता चले आप से छीन ले। ये तो अंकल जी को ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है। ले, 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 आया, आया। अंकल जी जो पीछे हैं स्पेशली इन बंदरों के लिए मट्टी लेकर आए थे, तो काफी अच्छी चीज है, अपने को छोड़ के भी दूसरों के लिए सोचना चाहिए। और ब्रिज काफी ज्यादा बड़ा है यहाँ से लेके, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 झूले हैं, एक ये वाला जानकी झूला जिस पर हम हैं अभी, और ये काफ़ी बड़ा है, और एक उधर की साइड भी एक झूला है, यहाँ से कैमरे से दिखेगा नहीं शायद, वो राम की झूला है वो, यहाँ पे 3 झूले हैं। और मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया, पहले धूप हो रही थी और मेरे को लग रहा था भाई कितनी ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों की धूप ना काफ़ी ज़्यादा वो होती है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा लगती है, गर्म हो जाता पूरा शरीर। अब मौसम उसका अपोजिट, धूप का अपोजिट, इतना बढ़िया हो गया एकदम। हनुमान जी की मूर्ति बना रखी है, कितनी प्यारी लग रही है इसके ऊपर, काफ़ी बड़ा साइज है इसका। अगर आप ऋषिकेश आते हो ना, तो ये जानकी झूला पे जरूर आना, काफ़ी बढ़िया, बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ पे, और इवनिंग के टाइम पे आना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। धूप हो गया एंड,
वहाँ पे लिखा पैदल मार्ग 4 से 6 बजे तक बंद रहेगा। गंगा जी का जो फ्लो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ है गंगा जी का फ्लो। मैं आपको मैं वो पहले उधर देख लेता हूँ इंटरेस्ट में। पहले लक्ष्मण झूला के वहाँ पे लक्ष्मण झूला अभी रिपेयर हो रहा है। अच्छा, हम लोग राम झूला में आए। तो ये भैया अभी हमारे मुंबई से आए हैं, मुंबई से डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम राजू श्रेष्ठ है। अच्छा, राजू श्रेष्ठ में रहता हूँ। अच्छा, जो कितनी दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, हम भी दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम राजा। राजा, थैंक यू। राजा ब्लॉग में आपको मैं फॉलो करूंगा और सब्सक्राइब भी करूंगा। मैं यहाँ पे बैठ के कितनी ज़्यादा शांति मिलती होगी। यहाँ पे सारे पंडित जी वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूजा हो रही है। अभी काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है। बाकी हम मेन आरती की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे मेन आरती होती है ना गंगा जी के पास। यहाँ पे आरती होती है ना, वो होती है डेली 6 बजे होती है। जो रिलीजियस प्लेस होती है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति इंसान को वहीं मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। अभी हम जा रहे हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट। सिर्फ इसका नाम ही चोटी वाला नहीं है रेस्टोरेंट, यहाँ पे चोटी वाले भैया भी बैठे हैं। आपके साथ टिकट लेने? सिर्फ इस होटल का नाम ही चोटी वाला नहीं है, चोटी वाले भैया भी बैठे हैं। एक तरफ देख रहा था चोटी वाले भैया, यहाँ पे तो एक और भी है। तो हम थोड़ा नीचे की साइड जा रहे हैं यहाँ से, चलो थोड़ा क्लोज ही देखते हैं गंगा जी को। पर ये राम झूला है, अभी हम यहाँ से जाएंगे। मेन आरती यहाँ पे 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये गंगा जी में चढ़ाया जाता है? इसमें कुछ करना नहीं है। लैंडस्केप से लैंडस्केप। फोटो 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 फोटो। मैंने छोड़ा तो काफ़ी पीसफुल माहौल है। गंगा जी के किनारे जो भजन चल रहे हैं और जो यहाँ पे गंगा जी बह रही है, बहुत ही शांति भरा है ये। और जो भजन चल रहे हैं ना, सच्ची कह रहा हूँ, उसका बहुत ही आनंद आएगा अगर आप यहाँ पे आके बैठते हो शांति से। ये ना बहुत थोड़ा कंजेस्टेड सा बना है, थोड़ा काफ़ी छोटा है। हम एंटर हो गए राम झूला। ये काफ़ी बड़ा ये राम झूला भी बना है। अभी हम राम झूले पे, और राम झूला ना सेम थोड़ा बहुत हिलता भी है, और हवा तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चलती है ब्रिज के ऊपर। आप आओगे ना तो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा यहाँ पे आके। राम झूला झूलता है, राम झूला, हाँ सही चीज़ झूलता भी है, ये भी कह लो तुझे राम झूला तय देना है। मतलब शाम के टाइम पे यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह हो जाती है तो काफ़ी बढ़िया लगता है यहाँ से। अभी तो इवनिंग टाइम है ना, अभी अंधेरा नहीं हुआ तो लाइट वगैरह जली नहीं, वरना जब लाइट जलती तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। राम झूले पे ना काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है, जब इस पर आप चलोगे ना तो हिलता है। राम झूला झूला भी देता है ना, मतलब झूला भी देता है। हाँ भी देता है, अंग्रेजी जैसा झूला भी देता है। कल हम जाएंगे गोविंद घाट। ये सारी जो गंगा जी के किनारे, ये सारी लोकल मार्केट है जहाँ पे काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया और एशियन टाइप की चीज़ें मिलती हैं। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्त, अपनी बहन, अपने भाई के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। और मूर्तियाँ भी भगवान की काफ़ी फ्रेंड के लिए भी। हाँ, अंकल जी कह रहे हैं फ्रेंड लिए भी लेके जा सकते हो, जेड़ा तुम लेके जाना चाहते हो। इधर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाना होता हूँ। तो आप देखो कितने वजिए वजिए तरीके से, छोटी छोटी मूर्तियाँ। शाम की इवनिंग के टाइम पे ना 6 बजे गंगा जी के किनारे यहाँ पे आरती होती है डेली। तो अभी उसकी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जूते उतार के बैठते हैं, फिर यहाँ पे आरती स्टार्ट होगी। अभी 6 बजे उसकी प्रिपरेशन चल रही है, मैं दिखाता हूँ। अभी आरती स्टार्ट होगी तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ पे होती है वो आरती डेली 6 बजे बस स्टार्ट होने वाली है। ये चंदन का टीका लग रहा है ना, इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है। पद सरोजरासी शशीष पर
के टाइम पे यहाँ पे आरती के टाइम पे आओगे ना, काफ़ी पीसफुल माहौल है, काफ़ी शांति रहती है, मन को काफ़ी शांति मिलती है, जो चंदन की खुशबू आती है। तो अब हम गुरुद्वारे में ही जा रहे हैं वापस, क्योंकि कल हमें गोविंद घाट निकलना है। लक्ष्मण झूला बंद हो रखा है क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया। ब्रिज देखो कितना प्यारा है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है और ये राफ्टिंग के लिए बोट्स वगैरह पड़ी हैं। जब हम जा रहे थे ना राम झूले से, तो तब वहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं जली हुई थी, थोड़ी मतलब उजाला था तो लाइटिंग जली थी, बट जब यहाँ लाइट जल जाती है ना तो काफ़ी प्यारा लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, गंगा जी का फ्लो है और जो बीच पे लाइट जल रही है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। गंगा जी के किनारे से हम बाहर की साइड आ गए, गन्ने बड़े थे यहाँ पे, तो मन कर रहा था कि गन्ने का जूस ही पी लेते हैं। अब गुरुद्वारे जाएंगे, वहाँ पे जाके अब हम सो ही जाएंगे क्योंकि कल गोविंद घाट निकलना है। गन्ने का जूस काफ़ी ज़्यादा मीठा है, पर थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा पाती है ना, चल पानी पानी हो गया ठीक, और बाकी बढ़िया। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ है। हम गुरुद्वारे साहब पहुँच गए, गुरुद्वारे साहब में एंटर हो गए। हमारी जो सराय है ना, हम वहाँ रुके हैं सेकंड फ्लोर पे। ये जो गुरुद्वारा है ना, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, काफ़ी बढ़िया व्यू लगता है। अभी तो दूर से देख रहे हैं, कल गोविंद घाट जाएंगे तो धीरे धीरे करके जब हेमकुंड साहब जाएंगे तो हम उन पहाड़ों के बीच में घूम रहे होंगे। बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पे, अगर जैसे हेमकुंड साहब जब संगत जाती है ना तो पहले यहाँ पे स्टे करती है, यहाँ पे रुकने के बाद लंगर छक के या फिर अगर रुकना चाहते हैं एक दिन रुक के फिर आराम से फिर वहाँ की यात्रा करते हैं हेमकुंड साहब की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करा दो गाइस अपने भाई के, और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलो निकलते हैं, ठीक है, अब हम सीधा अपने सरा रूम में चले जाएंगे। हाय गाइस।